हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। अभी मैं हूँ कुरुक्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में आज हम लोग घूमने वाले हैं। कुरुक्षेत्र की जो सारी जगह है, यहाँ पर ही हुई थी महाभारत। और ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये पूरा ब्रह्म सरोवर। तो ये है इसका मेन डोर, यहाँ से एंट्री होती है। और यहाँ पर एक प्यारा सा शिव मंदिर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल सा रथ बना हुआ है। ये महाभारत का मतलब बहुत ही मेन चीज़ है यहाँ पर, जो कि जिस रथ पे कृष्ण जी बैठे हुए थे और जो हनुमान जी थे वो भी इसी रथ पर थे। देखो आप, बहुत ही छोटे बना हुए हैं यहाँ पर। तो ये जो ब्रह्म सरोवर के बीच में बना हुआ है यहाँ पर, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये चारों तरफ के आसपास के देखो, ये पेड़ भी काफ़ी पुराने हैं यहाँ के आसपास के पेड़। तो यहाँ पर जो रथ है, रथ के जस्ट अपोजिट आप आओगे तो एक काफ़ी पुराना यहाँ पर एक वृक्ष है। देखो इसकी जड़ें कितनी बड़ी है। और देखो ये सारे पुराने पुराने पेड़ हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अभी बहुत ही अच्छा बना दिया गया है। और ये जो धरती है ना, ये इसी धरती पे ही जो महाभारत हुई थी वही हुई थी, लेकिन अभी घर वगैरह सब बन चुके हैं यहाँ पर। तो हम लोग अभी सामने मंदिर पर चलेंगे, श्री श्याम दरबार। और यहाँ पर है श्री श्याम दरबार। यहाँ पर देखो प्राचीन द्रौपदी कूप है। और ये महाभारत टाइम का ही है, प्राचीन द्रौपदी कुंड, ये देख सकते हो। नीचे भी जा सकते आप लोग, ये देखो काफी पुराना है ये। ये अंदर मूर्ति है खाटू श्याम बाबा की, बहुत ही प्यारी मूर्ति है। तो हम लोग द्रौपदी कूप के यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। और देखो यहाँ पर देखो पूरा कुंड बना हुआ है बहुत अंदर तक। और अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, बंद हो चुका है पूरा, उसको बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर देखो वो बहुत ही प्यारी कृष्ण जी की मूर्ति है। और एक टाइम पे पूरा कुंड हुआ करता था, कुएं टाइप। तो हम लोग अभी श्री श्याम दरबार के जस्ट पीछे आए। और यहाँ पर देखो कितनी प्यारी मूर्ति बनाई हुई है ये मेरे चारों तरफ। हम लोग अभी पूरा जो आसपास का एरिया है ये पूरा कवर करेंगे, और जितनी मूर्ति हम लोग सारी कवर करेंगे। और एक और चीज़ बता दूँ, हमारे साथ है भाई, हमको ये गाइड कर रहा है आज, यहीं का है। क्या नाम भाई तेरा? अमित। अमित ये यहीं से है और हम लोग इसी के साथ घूम रहे हैं। और मेरा आज का कैमरामैन भी यही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये इतने बड़ी जो चट्टान है उसके अंदर पूरी बनाई हुई है मूर्ति। और इसके बारे में जो पूरा डिटेल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको स्टॉप करके ज़रूर पढ़ ले। और फिर हम लोग इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक और मूर्ति बनी है। ये शंख बना हुआ है और शंख के साथ में एक मछली भी है। ये वही चीज़ है जो मछली के आँख में तीर मारा था, तो ये उस टाइप से बना हुआ है इसको। और इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ ले, स्टॉप करके आप ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर और बहुत कुछ घूमना है मुझे। तो मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी देर हो जाएगी। ये पूरी पत्थर से बनाई हुई है और बहुत प्यारी है। इसके बारे में यहाँ हिस्ट्री लिखी है। और थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी कुछ बना है, ये मुझे पूरा समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये तो मुझे पता चल गया, क्योंकि ये हमारे आर्मी को संबोधित करते हुए बना हुआ है। इसके बारे में ये लिखा है। और देखो यहाँ पर भी है
और वहाँ पर भी मैं कुछ मेन मेन दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर ये कुछ नीचे अटैची टाइप बनाई हुई है, उसके ऊपर बुक्स रखी है और उसके ऊपर अशोक चक्र शायद। और यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा देखो शंख बना हुआ है, और ऊपर जो हनुमान जी का गदा है वो मोर का पंख है, और ये चीज़ एक साथ कमल का, नीचे कमल का फूल है, और इसके बारे में जो डिटेल है वो यहाँ पर दी हुई है। आपको दिखाते जा रहा हूँ, आप इसको स्टॉप करके ज़रूर देखिए तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि ये किस चीज़ के ऊपर बना है। ये हमारे शिव जी, और ये ब्रह्मा जी का, और ये विष्णु जी का, तो ये तीनों तरफ से बना हुआ है। और एक ये पेड़ बना हुआ देखो, काफ़ी पुराना, मतलब पुराना पेड़ बताया हुआ है यहाँ पर, और इसके बारे में यहाँ डिटेल दी हुई है। ये तो दिख रहा है, ये धनुष है, धनुष में बाण लगा हुआ है और यहाँ पर हाथ से पकड़ा हुआ है इसको। यहाँ पर पूरी सरोवर के बीच में एक मंदिर बना हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत मंदिर लग रहा है ये। और यहाँ पर भी बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। तो चलिए चलते हम लोग और आगे। यहाँ पर आ चुके हैं ज्योति सर, इसकी स्टोरी आगे मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग जूते वगैरह निकालेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कौन सा ये? काफ़ी पुराने पुराने पेड़ हैं यहाँ पर, और जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं यहाँ पर ही श्री कृष्ण ने सृष्टि को गीता ज्ञान दिया था। ये देखो ये बहुत पुराना पेड़ है ये। तो यहाँ पर प्रभु श्री की मूर्ति बनी हुई है, और यह माता जी है, नीचे कृष्ण जी है, और ये देखो यहाँ पर महाभारत से सभी जुड़ी मूर्ति वगैरह बनी हुई है यहाँ पर। तो ये सारे यहाँ पे म्यूजियम टाइप बना है, तो हम लोग सारे एक एक करके देखेंगे। ये है भरतराष्ट्र और संजय जो कि यहाँ पर लिखा है, उसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। और ये यहाँ पर दुर्योधन और गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति है, और ये यहाँ पर मूर्ति है सूर्यदेव, अर्जुन और श्री कृष्ण जी की मूर्ति है यहाँ पर, और एक ये विश्व रूप दर्शन, विराट रूप दर्शन है यहाँ पर। और देखो यहाँ पर भीम, भीष्म पितामह, ये भीष्म पितामह, और ये भीम नरद भीष्म पितामह, ये बाणों पे लेटे हुए भीष्म पितामह, और नारद जी है, अर्जुन है, श्री कृष्ण जी है। यही वो पेड़ है जिसके नीचे बैठ के श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था और पूरे संसार को। और देखो यहाँ पर इन पर इनका रथ बना हुआ है, ये श्री कृष्ण जी। और ये आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर। और ये देखो यहाँ पर बहुत सारा मंदिर अभी और बन रहा है, डेवलपिंग का काम चल रहा है। और देख सकते हो यहाँ पर एक जो पिलर रखा हुआ है, ये काफ़ी पुराना दिख रहा है, हो सकता है महाभारत टाइम का ही हो। और अभी हम लोग और थोड़ा सा आगे, यहाँ पर होता है नाइट शो, और सामने पर्दे पे जो यहाँ पर फवार वगैरह है, यहाँ पर पूरा बताया जाता है कि महाभारत की स्टोरी बताई जाती है और कैसे हुई थी, वो सारा कुछ यहाँ पर बताया जाता है, तो काफ़ी सुंदर लगता होगा। तो आप भी अगर आइए तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए नाइट में देख। और ये जब श्री कृष्ण ने उनका दिव्य अवतार बताया था, उसकी देखो बहुत ही दिव्य मूर्ति बनी हुई है, और ये श्री कृष्ण जी विष्णु जी का जो पूरे अवतार है यहाँ पर देखो। काफ़ी खूबसूरत है ये। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जहाँ पर जो भीष्म पितामह को जो तीर लगी थी, बाण लगे थे, और वहाँ पर जो अर्जुन ने तीर चला के जहाँ से पानी निकाला था,
उस जगह पे हम लोग खड़े हैं और ये यहाँ पर गेट है, तो एक बार मैं गेट दिखा देता हूँ और यहाँ से हम लोग अभी एंटर करते हैं। पर तो ये लिखा हुआ प्रवेश द्वार श्री महाभारत युद्ध भूमि श्री भीष्म पितामह मंदिर नरकातारी। तो हम लोग नरकातारी में हैं और देखो यहाँ से हम लोग बहुत ही प्यारी मूर्ति बनी है, हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे। ये देख सकते हो ये जो महाभारत में हुआ था, भीष्म पितामह को जब तीर वगैरह लगे थे और उसके बाद में जो अर्जुन ने तीर चलाकर पानी जमीन में से पानी निकाला था उनके लिए, वो जो दृश्य है वो मैं एक बार बस आपको दिखाने ही वाला हूँ। तो वो दृश्य कुछ इस तरीके से है, ये देख सकते हो आप, भीष्म की प्यास बुझाते अर्जुन। तो देखो हम लोग अब नीचे उतर रहे हैं और ये वही सरोवर है जहाँ से श्री अर्जुन ने भीष्म पितामह को पानी पिलाने के लिए यहाँ पर तीर छोड़ा और वो तीर से नीचे से जो पानी आया था ये वो पानी है। और हम लोग और पास जा रहे हैं, देख सकते हैं जितना पास से हम लोग देख सके। ये देखो मतलब क्या उस टाइम पे क्या क्या सीन होगा, कितना मतलब कैसा दिख रहा है। देखो यहाँ से इन्होंने यहाँ से तीर चलाई और यहाँ से पानी निकला और उनके सीधे मुंह पे गया, और देखो ये तीर वगैरह पूरी उनको लगी हुई है। तो बस यहाँ पर ये चीज़ थी और अब ये है नर्क तारे में। तो अभी हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। तो अभी मैं आया हूँ स्थानेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ पर देखो पूरे जो एक लेक बनाई हुई है तो उसके बीच में महादेव जो भोलेनाथ हमारे उनकी मूर्ति, ये देखो ओम नमः शिवाय। और यहाँ पर है मंदिर, हर हर महादेव। शंभू मूर्ति, यहाँ वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, आवाज बहुत गूंज रही है, फिर भी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं माँ भद्रकाली मंदिर और ये शक्तिपीठ में से एक है क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर माता जी के जो पैर थे वो गिरे थे, तो हम लोग यहाँ दर्शन करने जाएंगे। देखो ये मंदिर बना हुआ माँ भद्रकाली का, फिर लिखा श्री देवी को भद्रकाली मंदिर और यहाँ पर बहुत प्यारा लिखा हुआ आई लव कुरुक्षेत्र, तो यहाँ पर आप फोटोशूट भी करवा सकते हो। जय माता दी। ये बहुत ही अच्छा मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है, ये देखो काफी पुराना पेड़ है ये। हम लोग इसके ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। यहाँ पर हमारे शिव जी है, हर हर महादेव। और अब इधर साइड जाते हैं, यहाँ पर क्या है, और यहाँ माँ वैष्णो देवी के पिंड और सौम्य दर्शन है। जय हो माँ वैष्णो देवी। ओ क्या मूर्ति बनी हुई है, हर हर महादेव, बहुत प्यारी मूर्ति बनी, बहुत प्यारी। तो ये था माँ भद्रकाली मंदिर और अब यहाँ से हम लोग और दूसरी जगह चलते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं श्री कृष्ण संग्रहालय, ये यहाँ का सबसे अच्छा, मतलब सभी चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है लेकिन यहाँ पर संग्रहालय में मतलब म्यूज़ियम है कृष्ण म्यूज़ियम, इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह बनी है और मूर्ति वगैरह बनी है, तो मुझे उसका पता है तो वो चीज़ मैंने देखी है फ़ोटोज़ वगैरह में। तो अभी हम लोग चलते हैं, ऐसे पहले टिकट लेते हैं उसके बाद में हम अंदर जाएंगे। तो ये यहाँ पर टिकट है और 30 की टिकट है, बट हम लोग दो है, ये भाई भी मेरे साथ ही है, तो इसलिए हम लोग 60 रुपये पे किया हमने। और देखो यहाँ पर कृष्ण जी की मूर्ति लगी है और देखो ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी चित्रकला बनी हुई है और काफ़ी बड़ा है ये। तो अभी हम लोग यहाँ से एंटर करते हैं। तो अभी मैं पूरा कृष्ण संग्रहालय का एक बार विजिट करके वापस आ चुका हूँ, अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी
लेकिन मैं बता दूं कि अंदर जो महाभारत के जो पूरी जितनी भी है ना, महाभारत की जितने भी सबूत है सारे रखे हुए, एक छोटे से छोटे पत्थर से लेके बड़ी बड़ी मूर्ति। और एक बार जरूर यहाँ आइएगा। और बस इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।